नमस्कार मित्रों, अभी देख सकते हैं हम लोग कोसी बैरेज पर हैं और कोसी बैरेज पर कल एक अफवाह बहुत तेजी से वायरल हो रहा था कि पिलर नंबर 21 और पिलर नंबर 17 बुरी तरह से जर्जर हो गया है। लेकिन यहां आने के बाद यहां के वरीय पदाधिकारी से जानकारी मिली है कि यह जो है अफवाह जानबूझ करके कुछ यूट्यूबर साथियों के द्वारा फैलाया गया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और उन यूट्यूबर भाइयों पर जो है FIR भी दर्ज कर दिया गया है इंडियन पुलिस और नेपाल पुलिस के मदद से। कल आप लोगों ने यह भी देखा होगा 28 सितंबर को कि यह नेपाल का बैरेज जो है इससे लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी को निष्कासित कर दिया गया था। यह सत्य है, लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी को निष्कासित इस रास्ते से किया गया। उसके बाद जो है आज 29 सितंबर की अगर हम बात करें तो 29 सितंबर को लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी अभी इस बैरेज से निष्कासित किया जा रहा है। कल की अगर हम बात करें तो 7 लाख क्यूसेक था और आज की बात करें तो लगभग 2 लाख गिरावट इस क्यूसेक में आया है। अभी लगभग 5 लाख क्यूसेक है। कल की जो घटना थी, बहुत सारे लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई गई थी कि पिलर नंबर 21 और 17 जर्जर हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह केवल अफवाह मात्र था। उन लोगों पर FIR दर्ज हुआ है जहां तक यहां आने के बाद जो है वरीय पदाधिकारी से बातचीत हुई। उस अफवाह के चलते बिहार में खास करके सुपौल जिला और कोसी सीमावर्ती इलाके के लोगों में काफी सनसनी फैल गई थी, जिसके कारण नेपाल की जो प्रशासन है उन्होंने इस पुल को पूरी तरह से बैन कर दिया। यहां से आने जाने के लिए लोगों का आवाजाही को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यहां तक कि एम्बुलेंस तक को आने जाने की भी जो यहां पर इजाजत होती है वो नहीं है, क्योंकि ये रास्ता इतने तीव्र रूप से इस चीज को वायरल किया गया था कि पुल जर्जर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ आने के बाद पता चला है कि बिल्कुल भी यह जो है अफवाह था। लेकिन अभी अगर हम पानी की जो क्यूसेक को दिखाएं, आप लोगों को देख सकते हैं कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पुल के ऊपर से गिरती हुई पानी को भी दिखाया जा रहा था और पुल से बिल्कुल सट करके पानी जा रहा था। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 से 3 फीट पानी में गिरावट आई है, यानी कि पुल का जो निचला स्तर है वो 2-3 फीट नीचे जाने के संभावना में अभी आप लोग सामने में देख रहे होंगे। लेकिन इस कोसी बैरेज से एक भी गाड़ी को आप लोग आते जाते नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कल की बात मैं बता चुका हूँ कि कल जो अफवाह फैली थी लोगों के बीच में काफी सनसनी फैल गई थी, तो उसी न्यूज को देख करके नेपाल पुलिस और भारतीय पुलिस ने समझौता किया और इस पुल के आवाजाही को बैन कर दिया 2-3 दिनों के लिए। लेकिन लगातार जब गिरावट आ रही है पानी में तो अब पता चल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो केवल फेक न्यूज था। फेक न्यूज फैलाने पर जो है प्रशासन ने हालांकि FIR भी दर्ज कर दिया गया है, FIR दर्ज कर दिया है। बाकी इस पुल के निर्माण की अगर हम बात करें तो 1962 में ये पुल बनाया गया था और एक कहावत भी इस पुल को लेके कही जाती है कि इस पुल का निर्माण जब कोसी नदी पर किया जा रहा था तो ये नदी पुल को बनने नहीं दे रही थी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं और कोसी नदी पर कभी भी यानी हर साल सीमावर्ती क्षेत्र में बाढ़ की खतरा हमेशा बढ़ी रहती है। तो इस पुल को लेके हम बात कर रहे थे कि इस पुल की अगर हम बात करें तो 1962 में बना, जब ये पुल नहीं बन रहा था तो ऐसा कहा गया कि नेहरू जी यहाँ पर आए थे और यहाँ आने के बाद अपनी टोपी जो है नेहरू जी ने पुल के नीचे गिराया था, उसके बाद इस पुल पर निर्माण हुआ था। हालांकि यह कहावत अपने बुजुर्गों से मैंने सुनी है, इसलिए आप लोगों से साझा करने का प्रयास किया। लेकिन जो बुजुर्ग हमारे बताते हैं कि नेहरू जी यहाँ आकर के पुल का निर्माण करवाए थे, ये सत्य है कि नहीं है इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता, लेकिन यहाँ के बुजुर्गों के द्वारा जो बात सामने आई थी उस बात को मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। 7 लाख क्यूसेक से पानी की गिरावट बिल्कुल नीचे हो चुकी है, 5 लाख 4 लाख कुछ है तो लमसम 5 लाख कह सकते हैं, लेकिन ये घट रहा है और बढ़ भी रहा है। लगातार इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है और कभी कभी गिरावट भी हो रही है। हालांकि कल 7 लाख क्यूसेक पानी था और 9.5 लाख तक क्यूसेक पानी झेलने की क्षमता इस कोसी बैरेज को है।
यानी कि 7 लाख से 9 लाख भी अगर चली जाती है तो हम लोग खतरे के निशान से नीचे हैं। 9 लाख को पार करती है तो खतरे के निशान से हम लोग ऊपर रहेंगे। अगर हम बात करें इस कोसी के शोक नदी के बारे में तो यह तो लगातार हर साल बाढ़ लाता ही है और इसी कोसी नदी ने 2008 में बाढ़ का भयावह रूप बिहार में दिखाया था। बिहार में बाढ़ का भयावह रूप इसलिए दिखा था कि कहा जाता है कि कुशहा का बांध टूटने के कारण से ये नदी ने अपना रुख बदला था और लगभग हजारों गांव को डुबाते हुए 2008 के बाढ़ की संभावना को बहुत तेज कर दिया था। हालांकि अभी सीमावर्ती इलाके में अलर्ट भी जारी है, प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा हाई अलर्ट जारी करके लोगों में राहत सामग्री का भी इंतजाम किया गया है। बाकी आप लोग अफवाह से बचिए, बिल्कुल भी आप लोगों को अफवाह से बचने की जरूरत है। किसी भी सोशल मीडिया के फेक वीडियो पर ध्यान मत दीजिए। अगर सोशल मीडिया पर आप अफवाह फैला रहे हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी लोगों की भारी संख्या में यहां पर देखने के लिए भीड़ जुट रही है। हम लोग भी पहुंचे तो लगभग 1 घंटे का समय बॉर्डर को पार करने में लगा। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी गाड़ी का आना जाना बंद किया गया है। प्रशासनिक गाड़ी कुछ भी 1-2% है जिसको इजाजत लेके जाना पड़ता है। तो आप लोगों को अफवाह से बचने की जरूरत है। बाकी मैंने आप लोगों को सारा जानकारी दे ही दिया है और कहावत जो हम लोगों के बीच में फैली हुई है कि नेहरू जी जब आए थे इस पुल में अपना टोपी गिराए थे तब जाके ये पुल का निर्माण हुआ था, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। मैं नहीं कहता हूँ और इस बात की मैं पुष्टि भी नहीं करता हूँ। हालांकि यह बात गाँव समाज में तेजी से फैल रहा है। बाकी इस कोसी नदी को लेकर के बाढ़ के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दे दीजिएगा। और अफवाह से बचना है, बिल्कुल भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।